हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेबसाइट के लेआउट को कस्टमाइज़ करना, कि हम किस तरीके से अपने वेबसाइट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, इसको बॉक्स कर सकते हैं, इसका कंटेंट फुल विथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमें चलनी है अपने वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन टूल के अंदर, जहाँ से हम ये कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो वेबसाइट के लेआउट को चेंज करने के लिए आपको थीम के अकॉर्डिंग सेटिंग्स मिलते हैं, कि कौन सी सेटिंग के अंदर आपको थीम के लेआउट को चेंज करने का ऑप्शन है। हमने अस्ट्रा थीम को यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, इसे एक्टिवेट किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अस्ट्रा थीम के अंदर लेआउट को चेंज करने के लिए आपको ग्लोबल के अंदर जाना होगा। यहाँ पर आपको लेआउट चेंज करने की सेटिंग मिलने वाली है। आपको देख लेनी है कि जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये सेटिंग आपको कहाँ पे मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में चले जाना है। तो चलिए हम चलते हैं लेआउट के ऑप्शन में। तो ग्लोबल के अंदर आपको यहाँ कंटेनर इस ऑप्शन को ओपन कर लेनी है। यहाँ आपके कंटेनर के अंदर लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने लेआउट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है कंटेनर विथ, यहाँ से हम अपने कंटेनर विथ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी 1200 पिक्सल पे हैं, हम इसे 1200 पिक्सल पे ही रहने देते हैं। और आगे के ऑप्शन पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसको हम किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है। सबसे पहले यहाँ लेआउट में आपको मिलेगा जहाँ से आप अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप लेआउट सिलेक्ट करेंगे वो आपके पेजेस के ऊपर भी अप्लाई होगा, आपके ब्लॉग पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेआउट है फुल विथ, जिसमें हमारे वेबसाइट की लुक कुछ इस तरीके से दिखेगी, पूरा कंटेंट फुल विथ में होगा। हम इसे चेंज करते हैं, हम इसे बॉक्स कर देते हैं और यहाँ पब्लिश पे क्लिक करते हैं, इसे पब्लिश कर देते हैं। देन हम अपनी वेबसाइट के पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो देखिए अभी हमारे पेज की लेआउट बॉक्स्ड हो गई। इस तरीके से आपके ब्लॉग पोस्ट की भी लेआउट बॉक्स हो जाएगी, आपके आर्काइव की भी लेआउट बॉक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट को बॉक्स्ड कर दिया, कि जो भी हम नए पेजेस को क्रिएट करेंगे वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉक्स्ड लेआउट में क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी पेज के लेआउट को अलग रखना और ब्लॉग पोस्ट के लेआउट को अलग लेआउट में रखना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपने पेज के लेआउट को अलग रख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट के लेआउट को कुछ और रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पे आप रहने देंगे तो जो भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपके पेज की लेआउट हो जाएगी, आपके ब्लॉग पोस्ट की लेआउट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेज के लेआउट को यहाँ पे चेंज करते हैं, कंटेंट बॉक्स और यहाँ पब्लिश करते हैं, तो आपके पेज की लेआउट सिर्फ चेंज होगी, आपके ब्लॉग पोस्ट की लेआउट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक ब्लॉग पोस्ट को भी यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हम इन दोनों में डिफरेंस सेटिंग्स करके देखते हैं, इनके लेआउट को डिफरेंट रख के चेक करते हैं कि किस तरीके से इसकी लेआउट शो हो रही है। तो पेज की लेआउट भी अभी बॉक्स्ड है और यहाँ पे पोस्ट की भी लेआउट अभी बॉक्स्ड है। हम दोनों को डिफरेंट रख के देखते हैं। पोस्ट की लेआउट को हम यहाँ पे फुल विथ में कर देते हैं और पेज की लेआउट को कंटेंट बॉक्स पे रखते हैं। पेज की लेआउट हमारी सेम है और ब्लॉग पोस्ट की लेआउट देखिए चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग के लिए अलग लेआउट रख सकते हैं, अपनी पेज के लिए अलग लेआउट रख सकते हैं। अगर आपको सेम ही लेआउट रखनी है सारे चीज़ों पे, पेज पे भी और ब्लॉग पोस्ट पे भी, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक लेआउट सिलेक्ट करके उसे और इन सभी के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेनी है। अब हम समझते हैं इस कंटेनर विथ के बारे में, कि कंटेनर विथ के ज़रिए हम अपनी पिक्सल्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपनी कंटेंट की चौड़ाई को अपनी स्क्रीनिंग के साइज़ से किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये अभी फुल विथ पे है, फुल विथ पे इधर हमारा इतना स्पेस दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे और राइट साइड में भी हमारे इतने स्पेस दिख रहे हैं। अब हम इस स्पेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हम कंटेंट विथ के अंदर जाके कर सकते हैं। हम इसे इंक्रीज़ करेंगे
और यहाँ पब्लिश कर देंगे। देन हम इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो देखिए हमारी ये स्पेस कम हो गई, हमारी कंटेंट की विथ चौड़ी हो गई, मीन्स कि आपकी पूरी स्क्रीन के साइज़ की ये आपकी कंटेंट विथ हो जाएगी, आपकी लेआउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसे बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देनी चाहिए। अगर आपको कम पे रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रखें, जिसके कि आपके सभी डिवाइस के ऊपर आपके वेबसाइट की लेआउट प्रॉपर तरीके से शो हो। हम इसे डिवाइस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि कौन सी डिवाइस के ऊपर ये किस तरीके की दिख रही है। तो मोबाइल के ऊपर भी इसकी स्क्रीनिंग अच्छी है, इसकी लेआउट प्रॉपर तरीके से दिख रही है। टैब के ऊपर भी इसकी लेआउट प्रॉपर तरीके से शो हो रही है, और डेस्कटॉप के ऊपर तो ऑब्वियसली इसकी लेआउट प्रॉपर तरीके से शो हो रही है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अपने वेबसाइट के लेआउट को कस्टमाइज़ करनी है, साथ ही अपने पेजेस के लेआउट को कस्टमाइज़ करनी है और ब्लॉग पोस्ट के लेआउट को कस्टमाइज़ करनी है। अगर आपके कोई सवाल, कोई डाउट्स है तो आप हमें सपोर्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं।